आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर है, उत्तराखंड में भारी बारिश से बिगड़े हालात। दो दिन से उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है। नैनीताल के रामगढ़ इलाके में फटा बादल। रामगढ़ के तोकरा गांव में बादल फटा है। मलबे में कई लोगों के दबे होने की खबर है। दो दिन से लगातार उत्तराखंड में बारिश हो रही है। भारी बारिश का अलर्ट वहां पर जारी किया गया है, अति भारी बारिश का। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। दो दिन से उत्तराखंड में बारिश रुकी नहीं है, लगातार रुक रुक करके बारिश का दौर जारी है। वहां पर नैनीताल के रामगढ़ इलाके में बादल फटा, खबर ये। रामगढ़ के तोकरा गांव में बादल फटा है। मलबे में जानकारी ये मिल रही है, कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं, जिनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया गया। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें बेहद डरावनी आ रही हैं। लगातार दो दिनों से हर हिस्से में वहां पर बारिश हो रही है। मौसम बिगड़ रही है। इसी पर अधिक जानकारों के साथ मेरे सहयोगी विशाल गर्ग जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास में चलती हूँ। विशाल, सबसे पहले तो मौसम को लेकर अपडेट दें, कैसा है मौसम वहाँ पर और कैसी स्थिति उत्तराखंड में इस वक्त? देखिए, मौसम विभाग ने लगातार रेड अलर्ट जारी कर रखा है दीपा, और साफ तौर पर उन्होंने सभी प्रशासन के अधिकारियों को भी यह चेता दिया था कि भारी बारिश रहने का अनुमान है। हालांकि कुछ इलाकों में अभी धूप निकली है, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। वहां पर साफ तौर से कहें तो वहां पर अभी भी बारिश है, और जिस तरह से देखिए ये तस्वीरें जिस तरह से आ रही हैं नैनीताल से, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि वहां पर बादल फटने की जो सूचना है, तो ऐसे में देखिए लोगों के जो दिक्कतें हैं वो काफी बढ़ गई हैं। ऐसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आपदा कंट्रोल रूम में पहुंच गए हैं और वहीं से वो जायजा ले रहे हैं कि किस तरह की वहां पर तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जा रही है और क्या कुछ अभी अपडेट है। किसी तरह की कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं है। तमाम जो अपडेट्स हैं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपदा कंट्रोल रूम में बैठ करके अपने जिला अधिकारियों से ले रहे हैं और तमाम जो देखरेख उनकी नजरों में ही कार्य चलाए जा रहे हैं दीपा। अच्छा विशाल, जो रामगढ़ का ये तोकना गांव है, इसको लेकर क्या जानकारी, कितनी संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे, कितनी आबादी इस गांव की थी, किसी से आपकी बातचीत हो पाई क्या अधिकारियों से, वो कुछ बता पा रहे हैं? देखिए, अभी लगातार जो स्थिति है उसको क्लियर करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि रामगढ़ में जिस तरह सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि वहाँ पर बादल फटा है और आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आबादी वाला क्षेत्र है और अगर ऐसे में बादल फटता है जानमाल को खतरा हो सकता है, और ऐसे में देखिए लगातार जो अपडेट है उनसे लेने की कोशिश की जा रही है, किस तरह की वहाँ पर व्यवस्था है वो भी जानकारी लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी हालात थोड़े जरूर ऐसे हो रखे हैं कि वहाँ पर जो बारिश या फिर ज्यादा पानी की वजह से दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, लेकिन राहत सामग्री ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाई जा रही है। जल्द से जल्द प्रशासन की टीम वहाँ पर पहुँच रही है ताकि स्थिति को सुचारू किया जा सके दीपा। अच्छा, अभी इस गांव के लोग सभी सुरक्षित हैं या नहीं है, कहाँ हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है विशाल? देखिए दीपा, प्रशासन से लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी प्रशासन जो है वो लगातार इसकी तरह की जो तैयारियां हैं उनको करने में जुटा हुआ है। पहले लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सूत्रों की माने तो वहां पर जिस तरह से देखिए बादल फटा है तो काफी बड़ी तबाही वहां पर हो सकती थी, लेकिन प्रशासन अभी वहां पर मौजूद है और लगातार पहले लोगों को रेस्क्यू करने का कार्य किया जा रहा है, किसी तरह की कोई जान। अच्छा, और कौन कौन से इलाके विशाल उत्तराखंड के कौन कौन से जिले हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है दो दिन से? देखिए, चमोली और उत्तरकाशी जैसे ये जो इलाके हैं जो पहाड़ी जनपद हैं, या फिर बद्रीनाथ हाईवे की बात करें तो वहां पर लगातार जो अभी भी बारिश है वहां पर रेड अलर्ट जारी कर रखा है मौसम विभाग ने, और प्रशासन को भी चेता दिया था कि वहां पर वो पूरे इंतजाम रखे, क्योंकि जिस तरह से देखिए भूस्खलन भी भारी मात्रा में हुआ है दो दिन की बारिश में,
और वहां पर जो तैयारियां थी हालांकि उनको सुचारू किया जा रहा है क्योंकि रोड ब्लॉक हो चुकी थी और काफी लंबी लंबी मात्रा सड़कों पर जो जाम है वो लग चुका है और लोग काफी परेशान हो रहे हैं जो चारधाम पर निकले हुए हैं क्योंकि जिनको चारधाम के ले जाना था या फिर बद्रीनाथ में केदारनाथ में जो निकल गए थे वो अभी काफी बड़ी मात्रा में लोग फंसे हुए हैं। यार जो रास्ता है उसको सुचारू कराने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है। दीपा, अच्छा इस पूरे हालात को लेकर विशाल, पीएम मोदी ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से वहां पर बातचीत की है ताज़ा हालातों के बारे में। जो चारधाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया गया, चारधाम यात्रा के लिए कितनी संख्या में लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं बीच रास्ते में, कहां कहां पर लोग फंसे हुए हैं, कोई पता चल पाया इसके बारे में? दीपक, देखिए बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे दोनों ही इस समय ब्लॉक हैं हालांकि क्योंकि प्रशासन की ओर से तैयारियां पूरी की गई थी लेकिन फिर भी जिस तरह से देखिए उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र रहा है जहां पर आपदा कभी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है कि मौसम खराब होगा तो ही होगा। और जिस तरह से देखिए दो दिन की लगातार बारिश रही है, हालांकि प्रशासन को पहले ही से ही अलर्ट पर रखा गया था लेकिन जिस तरह से देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अब खुद आपदा कंट्रोल में बैठ करके इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन विशाल, बड़ा सवाल ये, जो जो इलाके ऐसे संवेदनशील है या फिर जो जिले बहुत ज्यादा संवेदनशील है वहां पर पहले ही क्यों नहीं जिला प्रशासन को इत्तला कर दी जाती है? अगर अलर्ट मौसम विभाग ने पहले दे दिया है तो फिर क्यों नहीं इंतजाम वहां पर पहले से ही किए जाते, ऐसे गांव को चिन्हित किया जाता, वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं पहले पहुंचाया जाता? अगर कदम बेहतर उठाए जाते तो इतनी भयावहता नहीं होती। अब जो गांव की बात हम कर रहे हैं वहां के बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लोग सुरक्षित हैं भी या नहीं है? देखिए दीपक, लगातार इसको लेकर के मॉनिटरिंग तो बकायदा की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से भी और ऐसा पहले भी उन्होंने आदेश पारित कर दिए थे कि वहां पर जो चौकसी है उसको बरती जाए। हालांकि पुलिस की जो टीमें हैं, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं उनको भी अलर्ट मोड पे आपके पास में लौटते हैं। विशाल, पूरी कीजिएगा अपनी बात, उससे पहले तस्वीरें जरा दिखा दें वहाँ की। अब देखिए सड़कों पर पानी पानी दिखाई दे रहा है, जहाँ तक भी नज़र आप डालिएगा सिर्फ पानी। अब यहाँ पर कभी भी आपदा की स्थिति बन सकती है, इसीलिए कहा जाता है कि उत्तराखंड के लिए कि कभी भी कुछ भी लंबे वक्त तक चलेगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है। मौसम अच्छा है लेकिन अचानक से बरसात हो जाती है। अब चूँकि अभी दो तीन दिनों तक बारिश होगी ये चेताया था है और उसके बाद जो है उसकी मूवमेंट पे नज़र रखी जा रही है। तो जो आज सुबह जो खबर आई थी कि एक हाथी जो है वो टापू पे फंसा हुआ है, उसे सुरक्षा पूर्वक जो है उस एरिया से जंगल की तरफ जो है वो भेज दिया गया है। चलिए, वहाँ पर प्रशासनिक अमले ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है, लगातार जानकारी भी दी जा रही है ताकि लोग पैनिक ना करें। अब ये कहा जा रहा है कि जहाँ पर भी स्थितियाँ बिगड़ रही हैं वहाँ पर प्रशासन की पूरी नज़र है, प्रशासनिक अधिकारी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जाएगा। और लोगों से भी ये अपील की जा रही है कि अपने स्तर पर भी थोड़ी सी सावधानी बरतें, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें, इधर उधर ना जाएँ और ख्याल रखें। अब देखिए बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, वो गढ़वाल का इलाका आप ले लीजिए, वो कुमाऊं का इलाका ले लीजिए, वहाँ पर लगातार दो दिन से बारिश है, कई इलाकों का संपर्क टूट जाता है, कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट जाता है। अब ऐसे में पीएम ने भी बात की है सीएम से, सीएम की नज़र भी लगातार बनी हुई है ताज़ा हालात पर।